अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनिल खान और आज हम आए हैं गिलगित में। गिलगित में हम आपको दिखा रहे हैं चाह रहे हैं कि स्पेशल जड़ी बूटी है जो कि बहुत ही मुफीद है, इसके बड़े फ़वाद हैं। हमारे साथ एक लोकल है जो कि हमें बताएंगे कि जड़ी बूटी का नाम क्या है और उसके क्या क्या फ़वाद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम अनिल। ये जो जड़ी बूटी है इसको उस पे संस्कृत में इसको सुमा कहा जाता है, जबकि पर्शियन में इसको हुमा कहा जाता है। और इसका साइंटिफिक नाम एफेड्रा है। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज बुरुशस्की के अंदर इसको सोपट कहते हैं, जबकि शेना में इसको सूम कहते हैं। ये जो है आमतौर पर जो ना कदीम लोग जो नसवार इस्तेमाल करते थे, इस जो ना उसको हर्ब को क्या करते थे, इसको जलाते थे। जलाने के बाद इसका जो वो होता था राग को जो ना नसवार के साथ शामिल करते थे, जो आजकल इसकी जगह में चूना इस्तेमाल करके जो ना वो मिला के इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जिस्म के अंदर से जो ना एसिडिक जो ना मवाद है इसको खारिज करती है। और इस ये पूरे उससे आपके नसों से, चूँकि मुँह में डालते थे नसवार को और उधर से सारे जो ना वो करता था। आज इस दौर में चाइनीज़ जो इस चीज़ का जो ना जूस बनाकर बेचते हैं इसको, जिसको एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं, ये एज ए एनर्जी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मुझे अमूमन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ है ये उन लोगों के लिए जिनको सांस की तकलीफ़ है और जो ना उसका जो मसला है, लंग्स का जो इशू है, इनके लिए बहुत मुफीद है। और उनके लिए जो थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं वो उनको एनर्जी फराहम करता है। इसमें दो चीज़ बताइए, एक तो ये क्या ये इजीली अवेलेबल है गिलगित मार्केट में, और सेकेंडली इसको यूज़ किस तरह करते हैं? ये गिलगित के लोग किस तरह से इसको कमर्शियली नहीं जानते हैं। ये इनको कदीम तौर पर इनको आग के लिए के तो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते, नसवार के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके बाद इस चीज़ की कोई वो इनके पास वैल्यू नहीं है। आम मार्केट में ये नहीं मिलेगा, लेकिन पहाड़ में हर जगह मिल जाता है। अगर कोई हमारा लूनी ग्रीन का कोई सब्सक्राइबर जो है वो ये आपसे लेना चाहे तो आप ये तोड़ सकते हैं उनके लिए? हाँ बिल्कुल, हम फराहम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूँगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बहुत हैवी चीज़ है, इसके अंदर एफेड्रा है। इसका इंतहाई मामूली चुटकी भर मिकदार आप ग्रीन टी में शामिल करके इसका पाउडर बनता है। चुटकी भर इसका पाउडर किस तरह बनाया जाता है? इसको जो ना वो सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसको जो ना का पाउडर बनाया जाता है। और उस पाउडर को बिल्कुल जो ना छान के इसको जो है आप जब ग्रीन टी बनाएंगे उसके अंदर चुटकी भर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है नाजरीन, आपने ध्यान रखना है कि इसको अगर आप यूज करते भी हैं तो स्मॉल सी क्वांटिटी आपने ग्रीन टी में डालनी है। एक मुट्ठी मतलब चुन्नी भर जो भी कहते हैं इस्तेमाल डाल के आप ग्रीन टी में डालें, इसको यूज़ करें। नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, हर किस्म की ताकत के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और ये गिलगित की जड़ी बूटियाँ हैं और बहुत से कम लोगों को, अनफॉर्चुनेटली इवन गिलगित के लोग जो है उनको भी नहीं पता, क्योंकि इनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी वेल रेड है और लोकल है, इस वजह से आपको ये बता सकते हैं। तो होपफुली जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको कोई बीमारी है, वीकनेस है, एनर्जी है, वो इन जड़ी बूटियों के लिए जो है ना इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनका मैं नंबर भी दे दूंगा चैनल में, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।